It's a thousand miles between me and paradise, absolutely. Very good afternoon and sorry, just आप लोगों को काफ़ी मिस करा मैंने यार, मैं टाइम ही नहीं मिल पाया, आई वुड से 1.5 days में गुड मॉर्निंग कहने का, जस्ट बीन सो बैक टू बैक ऑन स्केड्यूल एंड वो मैं निकाल ही नहीं पाया टाइम, बस ऐसे ही हो जाता है. सो हैट्स ऑफ टू ऑल द यूट्यूबर्स जो बिल्कुल टाइमली अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और टाइम पे मतलब हर दिन उनका एक अपडेट आ रही होती है. इसलिए मैंने बोला भी आप लोगों को नहीं कि प्रेस द बेल आइकन फॉर रिसेंट अपडेट, क्योंकि वो जो घंटी बजानी है वो घंटी मेरे लिए पहले बज जाए तो फिर आप लोगों को बजाने में फ़ायदा हो. बहरहाल लास्ट तो जो वीडियो अपलोड थी हमारी तरू थाईलैंड की, वो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही शानदार ट्रिप थी. मेरे दोस्त जो कतर से आए थे, इंडिया से हैं वो, एंड प्रॉब्ली बेसिकली फ्रॉम जबलपुर सेटल्ड इन बैंगलोर. स्कूल टाइम के बड़े हैं हमारे, कॉलेज स्कूल उसके बीच में 20-25 साल हो गया जानते हुए. तो बहरहाल बहुत ज़्यादा ही बिजी दिन रहा और पिछले 1.5 दिन से, एंड एनी वे नाउ इट्स ऑल गुड. और कल सुबह आपको गुड मॉर्निंग वीडियो आएगी 100%. बाकी आज का बस यही रहा कि एक बड़ी मतलब यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके कोई भी कार जो सऊदी अरेबिया में बैंक से है, उसको कहते हैं लीज, बैंक लीज, ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही टर्मिनोलॉजी है. तो वो बैंक लीज पे जो कार है उसके ऑथराइजेशन को लेके थोड़ा सा एक आइडिया लेना चाहता था मैं. सो आई रैन अराउंड हियर एंड देयर, और उसका डेडिकेटेड ऑफिस है अगर आपकी बैंक से कार लीज्ड है. सो वो जो ऑफिस है दैट विल टेल यू बेसिकली. ऑफिस को यहाँ मतबक कहते हैं, नहीं मतबक कहते हैं, मतबक तो होता है किचन, तो मतबक कहते हैं. तो उसके ऑफिस गए और उनसे बात हुई, उनने मुझे समझाया कि क्या है हिसाब. पहले मुझे अपनी गाड़ी में जो बैंक से लीज है उसमें GCC कवर डालना ज़रूरी है. GCC मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज जो हैं, दैट इज़ बहरीन, कतर, ओमान, UAE एंड ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया. तो इसमें जॉर्डन और इजिप्ट नहीं आता है. तो GCC में ये जो कंट्रीज़ को मैं ऐड करूँगा, कुवैत एज़ वेल, मैं भूल गया. सो कुवैत को इस सबको ऐड करते हैं आप, एंड देर यू गो अबाउट. सो वो एक GCC कवर होता है. तो मैंने उससे पूछा कि फ़ायदा क्या. हम लोग जब UAE गए थे दुबई ड्राइव करके, इट्स अबाउट 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एक तरफ, तो आना जाना 2000 के करीब, और बीच में हाँ वहाँ प्लस माइनस घूमे थे 300 और. तो मैंने कहा यार भाई तुमने वहाँ पहुँचे, तुमने GCC कवर बोला था, वहाँ पहुँचने के बाद उसने कहा कि 200 दिरहम और दो, मतलब 4000 रुपये कार के. तो मैंने कहा क्यों भाई, GCC कवर तो, कहते वो तो है तुम्हारी गाड़ी को लेके कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, देयर इज समथिंग मिसहैप हैपेंस, तो हम उसका इंश्योरेंस में क्लेम ऐड कर सकते हैं. बट आप जब हमारी कंट्री आएँ तो उसके लिए आपको एक अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा. जैसे कतर के लिए 160 रियाल लगते हैं तो वो एक अलग रहेगा. बहरीन के लिए 2.5 BD लेता है 3 दिन का, 1 महीने का अलग होगा 100 रियाल वैसे करके. सो पहले तो GCC कवर को आपको लोड करना पड़ेगा अपने इंश्योरेंस प्लान में, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी पॉलिसी में. देयर आफ्टर आप जब अप्लाई करेंगे ऑथराइजेशन के लिए, तो डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा वैलिडिटी, दैट वीज़ा वैलिडिटी ऑफ नॉट द कंट्री वेयर यू आर गोइंग,
But the visa validity to return back to Saudi Arabia is known as the exit re-entry visa for Saudi Arabia. उसमें उस वीज़ा की वैलिडिटी के हिसाब से आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मिलेगा. जैसे अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, अगर वीज़ा आपका 2 महीने का है सिंगल एंट्री, मल्टीपल 3 महीने का है, तो आपको उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो बात हो जाएगी ना कि मैंने आपको ऑथराइज किया था लेटर 1 महीने के लिए, लेकिन आप तो बस बक गए. काफ़ी लोगों ने गलत काम भी करे हैं यहाँ, तो उस चक्कर में वो लोग उसी से पर्टेनिंग पीरियड, लिमिटेड पीरियड जिसके लिए वीज़ा की वैलिडिटी है, आपको कार का ऑथराइजेशन मिलता है. अगर आपकी कार बैंक से नहीं है तो आपको ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यू आर द डायरेक्ट ओनर, मतलब आप ओनर हैं कार के. सिंपल एज दैट. सो यू जस्ट हैव टू मतलब गो टू द बॉर्डर एंड बाय द इंश्योरेंस ऑफ दैट कार इंश्योरेंस एंड दैट्स इट. सो ये सब पता चला और उससे काफ़ी अच्छा ही है, मतलब प्रोसेस अब इन्हें लिंक कर दिया है. पहले लिंक नहीं था इंश्योरेंस और उसको लेके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नाउ इट्स ऑल लिंक्ड एंड दैट्स वेरी नाइस. सो देयर इज सेफ्टी. तो बस यही सब चलता रहा और चल रहा है. बाकी मैंने ये फाइंड आउट करा कि एग्जैक्टली अगर आपको ड्यूरिंग प्रीमियर वेकेशंस जो होती है ईद की, दिवाली में नहीं कहूँगा, मेजॉरिटी लोग उतने ट्रैवल कर रहे होते हैं मिडिल ईस्ट से, लेकिन मिडिल ईस्ट से मैक्सिमम जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, लाइक क्रिसमस इज अ प्रीमियम, वो क्योंकि वर्ल्ड इज ट्रैवलिंग टू इंडिया और एंड पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ इंडिया टू रीच देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू गेट टुगेदर फॉर द ऑस्पिशियस डे ऑफ क्रिसमस. सो अप्लाइज फॉर ईद. दिवाली में है लोड होता है, ऐसा नहीं है, वो लोकल डोमेस्टिक लोड आपको पड़ेगा ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक का, जिसमें प्राइजेस हाई होते हैं, रक्षाबंधन पे होते हैं, तो अलग अलग जो फेस्टिवल्स होती हैं इंडियन उस पे डायस्पोरा में, उसमें आपको मिलेगा. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो बेटर यही होता है कि आप अपनी 70 डेज, मैंने अभी जो कैलकुलेट करा, 70 डेज में आपको स्वीट डील मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिट टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ द कैरियर विच यू आर चूजिंग, रादर देन गोइंग एट द 45 डेज. 45 डेज आप तब रखें जब ऑफ पीक सीजन है, बट पीक सीजन में हमेशा जब बच्चों की ऑल ओवर वर्ल्ड छुट्टी होती है, ऐसे मिडिल ईस्ट की छुट्टियां बच्चों की शुरू हो जाएंगी 10 दिन बाद, 1.5 महीने की छुट्टियां होंगी, तो ऑब्वियसली कितने सारे यहाँ कितने करोड़ों मतलब एक्सपैट रह रहे हैं, वो सब जगह जाते हैं घूमने, कहीं भी जाएंगे. अगर ऐसा नहीं कि अपनी ही कंट्री जाना है, आप इस एयरपोर्ट से कहीं के लिए भी लेंगे तो उसका हिसाब चेंज हो जाएगा ना, उतनी फ्लाइट्स आपको यहाँ से वहाँ कनेक्ट करेंगी. तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स भी हमेशा डायरेक्ट नहीं मिल रही होती हैं, फ़्लाइट्स में कनेक्शंस भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन लोड कितना है ट्रैफिक का. सो यही सब करते हैं, ऑलवेज बुक 70, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ 90 भी नहीं, 70th डे आपको बेस्ट डील इन टर्म्स ऑफ प्राइस. और ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू मस्ट बुक ऑन अ ट्यूजडे एंड अ वेडनेसडे. और अगर आप फ्राइडे तक बुक नहीं कर पाए तो डोंट टच द टिकट एंड डोंट लुक एट बुकिंग. वाई? बिकॉज एनी हाउ वो रेट आपको संडे तक आराम से मिल जाएगा, मंडे आफ्टरनून के बाद फिर वो रीवैलिडेट होता है. सो दिस इज द थिंग. तो बढ़िया है. तो अब देखो, इतनी अजीब सी आदत है कि एक्सक्यूज मी किसी को भी, कौन बैठा है यहाँ, आप लोग मेरे साथ चैनल पे हैं और दैट्स इट. बट ये एक्सक्यूज मी कहने की आदत अजीब सी पड़ी हुई है, क्या क्या. ठीक है, मैंने इकोनॉमी मोड कार में, इसमें इकोनॉमी मोड है कैप्टिवा में, वो ऑन किया हुआ है, देखें उससे कितनी और माइलेज आती है. वैसे गाड़ी दे देती, मतलब अंदाजे से मैं कहूँगा 1 लीटर में 11 से 12 किलोमीटर, हाईवे में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, बट आई वुड से मतलब कंपेयर टू टोयोटा, स्पेशली टोयोटा की हाइब्रिड वाले, कई मेरे दोस्तों के पास गाड़ियाँ हैं, वो हाइब्रिड गाड़ियाँ ईसी 19 किलोमीटर पर लीटर देती हैं. मतलब सिटी में तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से गाड़ी चल जाती है, हाईवे पे वो पेट्रोल खींचती है. 100 के नीचे, 80 के नीचे, इट विल ओनली एक्टिवेट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड. तो मस्त वो रहता है उस हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक चल रही है, फ्यूल वाला शट हो जाता है, सीधी बात. आने वाले 10 साल में तो मुझे लगता है सब इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल चलेगा, और इतनी कारें हो जाएंगी तो, और सिटीज और क्लोजिंग होने लगेंगी,
लोग ना, जैसे मेरे हमारी जो फ्रेंड जो आए थे उनने हमें मेंशन करा, मैंने कहा कार कौन सी नहीं ले, कहते यार अभी रिसेंटली बुक करी है, कोई मन नहीं था, फैमिली का प्रेशर आया कि भैया बुक कर ले, कोई कार तो होनी चाहिए गराज में, गराज की पार्किंग पड़ी हुई है ऐसे, बट यू लुक एट इट की कोई अब ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है। और उसका स्पेशल सिंपल कारण है टैक्सी ज़्यादा सस्ती है, जब भीड़, अगर गाड़ी चलाने का मज़ा वहाँ है ना जहाँ रोडें खाली हो, ट्रैफिक तो पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि सिर्फ यहीं है। सो द थिंग इज कि ट्रैफिक पूरी दुनिया में है, बट द पॉइंट इज कि रोडें थोड़ी तो खाली रहें, मतलब अब आप सोचिए बैंगलोर में 10 किलोमीटर कवर करने के लिए अगर 1 घंटा लग जा रहा है, पीक टाइम, लो पीक टाइम, रेडी टाइम, जो सब एक टाइम है वहाँ, तो आप बोर हो जाओ, क्या फ़ायदा गाड़ी रखने का। हाँ ठीक है पास में आपको जाना है कोई फंक्शन में, फिर भी 1-1.5 घंटा, टैक्सी सर्विस अच्छी चलती है, आराम से आप प्री बुक कर लीजिए, प्री अरेंज कर लीजिए टैक्सी, वो भी सस्ता है। सो ये सारी चीज़ें मैं खुद भी, मतलब इस बार गया था तो आई वाज लाइक कि नहीं भाई कौन चला है, यहाँ से कोई आ रहा है, वहाँ से कोई आ रहा है, इतनी भीड़। यहाँ आप देखिए, यहाँ 10 किलोमीटर के सफ़र में 7 या 8 मिनट लगते हैं, तो रोडें तो हर जगह बड़ी होती हैं, बट बस वो ट्रैफिक का हिसाब, ट्रैफिक अपने यहाँ से जरूरत से ज़्यादा है। नो कंप्लेंट्स, इट्स ऑल राइट, इंडिया एज अ कंट्री इज़ डूइंग ग्रेट, इट्स नॉट दैट ईजी इतने सारे लोगों में मैनेज करना, सो इट्स वंडरफुल। ओके, वी शैल मीट टुमारो, अंटिल देन हैव अ नाइस इवनिंग, enjoy yourself and take the exit. अभी take the exit के नाम पे मुझे 2-3 और इस टाइप के रेस्टोरेंट या जिम वगैरह मिले, मैं उसकी फ़ोटो अपलोड करूँगा इंस्टा पे। प्लीज़ हमें फॉलो करें, आपको भी मज़ा आएगा हमारी पोस्ट और हमारी नई नई जो अपडेट इसको आती रहती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रैवल, यू लाइक सीइंग दैट, ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस, और बस हमारा जो उद्देश्य है वो अचीव हो जाएगा। एक कैमरा जो होता है ना आपको सेट कर देता है, चाहे वो कैमरा पार्किंग का कैमरा हो या चाहे कैमरा कहीं हो, चले ओके बाय।